ग्रैंड मास्टर अफान कुट्टी जी को आज मैं पहली बार मिला, और जब इन्होंने ये नाम लिखा और इन्होंने फोटो बनाया, राजन सच्चा मेरे जो महाराष्ट्र के विधायक भी है और उत्तर भारतीय संघ से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, राजकुमार पाल जी जो साथ में हैं, देवेंद्र तिवारी जी हैं, सुशांत तिवारी जी हैं, श्रीनिवास तिवारी जी, कुट्टी जी आपका दिल से मैंने ऐसा टैलेंट अभी तक तो नहीं देखा। जैसे कि अभी हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में ये एक ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जो कि बिना, अभी देखा कि उन्होंने आंख पे पट्टी लगाते हुए फोटो भी बना दिया, अभी हमारे विधायक जी का उन्होंने नाम भी लिख दिया, नाम मेरा भी लिख दिया, जिसके लिए दिल से मैं ऐसे टैलेंट को हमें जब भी मौका मिलेगा हम इसको, आपको जो भी सहायता लगेगी जो भी चीज लगेगी हम तहे दिल से देखेंगे कि आपकी क्या ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके, और दिल से आप और आगे बढ़ो, देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में आप नाम कमाओ, यही हमारी आपके लिए शुभकामनाएं। अभी एजुकेशन उसका चालू, देखिए ग्रैंड मास्टर अफन कुंटी एक ऐसे कलाकार है जो कि बिरले लोगों में वैसी कला आती है, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों में, मैं तो समझता हूँ कि इस देश का आबादी 140 करोड़ है, और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि 140 करोड़ के बीच में एक ऐसा लड़का है कि जो अपने आंखों पे पट्टी बांधकर जहाँ कुछ दिखाई नहीं देता और इससे नाम लिख दे रहा है, फोटोज बना दे रहा है, तो एक अद्भुत करिश्मा ईश्वर की कृपा से इस बच्चे को मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि ये देश टैलेंटों से भरा हुआ है, उनको प्रमोट करने की आवश्यकता, उनको आगे लेके जाने की आवश्यकता है, ऐसे बच्चों को जो इनकी प्रतिभा है उस प्रतिभा को लोगों के बीच में आना चाहिए, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा संतोष सिंह जी को, उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष को, और हमारे रामपाल जी को कि उस प्रतिभा को लेकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और आज हमने ये प्रतिभा देखी, हम लोगों की पूरी कोशिश होगी कि इस प्रतिभा को राज्य स्तर से लेके देश स्तर तक लेके जाने का काम हम सभी लोग मिलकर करना चाहेंगे। मैं अभी फिलहाल पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ में मेरा टैलेंट है जो मैं प्रमोट कर रहा हूँ मैं के जरिए से। आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आज सर से मिलने का मौका मिला, और उनके चाचा साहब जो उनका भी नाम बनाने का मौका मिला, और राम सर का, मैं रामपाल सर का शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ लेके आया, उनका बहुत सपोर्ट रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ आज कि मुझे आपके साथ में बैठने का मौका मिल रहा है, तो मेरी थैंक यू। कब से कर रही है आप? मैं पिछले 5 साल से ये कर रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट टाइम क्या बनाया था आपने? फर्स्ट टाइम मैंने एक क्यूब सॉल्व किया था बस। अच्छा, ये जो प्रिंट करके आप कहीं से प्रिंट करवा के लाते हैं क्या? जी, वो जो फोटो का क्यूब होता है उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, वो 2 दिन का प्रोसेस ये होता है। कोई भी स्टोर का रूबिक्स क्यूब चल जाएगा आपको, क्या आपका कुछ स्पेशल रहता है इसमें? नहीं, वो अलग से कस्टमाइज क्यूब आते हैं, कस्टमाइज करवाते हैं आप। और अभी आपने क्या अचीवमेंट किया है अब तक 5 साल से लेकर अभी तक? मेरा नाम मल्टीपल लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, मल्टीपल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, मल्टीपल एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, मेरा नाम मैं टेडेक्स स्पीकर हूँ, जोश स्पीकर हूँ, और CBSE के टेक्स्ट बुक में मेरे नाम पे एक पेज है, तो और भी बहुत अच्छी। एजुकेशन को कैसे टाइम दे पाते फिर आप? इसके वजह से मेरी एजुकेशन अच्छी हो गई है, पहले मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था पढ़ने के लिए, इससे कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो बढ़ जाता है बच्चों का, तो मैं कहूँगा कि और भी बच्चे ये सॉल्व करें, इससे कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, तो पहले जो मैं 3 से 4 घंटे पढ़ता था तो मुझे 1 से 1.5 घंटे में मेरी पढ़ाई हो जाती है। आपका बैकग्राउंड क्या है, पेरेंट्स क्या करते हैं आपको? मेरे फादर जो है प्री स्कूल कंसल्टेंट है, वो प्री स्कूल डिजाइन करते हैं। ओके, फिर आगे चल के आपको क्या कुछ एम रहेगा? मेरा करंट एम ये है कि मैं 25 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँ, उसमें जो सबसे बड़ा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जो मेरा है, हमारा नेशनल एंथम जना गना मना 400 रुबिक्स क्यूब से मैं 1 घंटे के अंदर ब्लाइंड फोल्डेडली बनाने वाला हूँ। धन्यवाद।